तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज बड़े दिनों बाद आपका भाई फ्रैंकलिन आपके लिए लेके आ चुका है बहुत ज्यादा खतरनाक वाला रैम चैलेंज। ओ यार अच्छा फ्रैंकलिन, पर इस रैम चैलेंज का नाम क्या है? अरे जैक, इस रैम का नाम है स्काई रैम। वैसे गाइस ये खटारा गाड़ी किसकी है? अरे यार फ्रैंकलिन, वो मेरी गाड़ी है। अरे तो अच्छा सस्ती निचनिया, ये तुम्हारी गाड़ी है? अरे यार हाँ। अरे खैर गाइस मुझे क्या करना, तो दोस्तों मैं आप लोगों को रैम दिखा देता हूँ। है भैया ये रैम तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। ओ यार हाँ होगी, ये रैम तो सच में बहुत ज्यादा ऊंचा है। अरे यार हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, इसीलिए इस रैम का नाम है स्काई रैम, क्योंकि गाइस स्काई में बना हुआ है। इस रैम पे से तुम्हें एकदम स्पीड में आना है, फिर तुम्हें जंप लगानी है। जो अपनी कार को ज्यादा दूर तक पहुंचा पाएगा वही होगा विनर। ओ यार अच्छा ऐसी बात है। अरे यार हाँ जैक, और यहाँ पे विनर को मिलने वाले हैं पूरे 10,000 करोड़ रुपए। ओ यार क्या बोला तूने, 10,000 करोड़? अरे यार क्या 10,000 करोड़? अरे जे तू क्या बोल रहा है, 10,000 करोड़ रुपया मिलेंगे का? अरे हाँ चूचो, मैंने भी यही सुना। अरे हाँ तुम सब लोगों ने ठीक सुना, तुम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे पूरे 10,000 करोड़ रुपए, क्योंकि यहाँ पे पैसे मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे पैसे दे रहे हैं ऑल फादर गॉड। और गाइस ये रैम चैलेंज भी ऑल फादर गॉड ही करवा रहे हैं। अरे यार फिर तो मुझे जाना चाहिए, क्यों डोरेमोन? पहली बार तुमने बिल्कुल ठीक बोला, अभी हम लोग चलते हैं रैम चैलेंज को करने के लिए, वो भी बिल्कुल प्रेम से। अरे यार हम लोग जब भी जाएंगे ना, जब तुम गाड़ी में बैठोगे, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। अरे पहली बार लो मैं बैठ गया, अभी चलाओ। अरे यार ठीक है, तो फ्रैंकलिन देखो और सीखो कि मैं यहाँ पे कैसे इस रैम को बड़ी ही आसानी से पार करता हूँ। अरे हाँ देखते हैं गाइस, ये देखिए इसकी खटारा गाड़ी तो अभी से लुढ़कने लग गई। अरे यार ये तो मेरी कंट्रोल की फल जा रही है, इसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ? अरे अब तुम्हारी गाड़ी कंट्रोल नहीं होने वाली गाइस, इसकी गाड़ी पहले से ही खटारा थी, अब तो गाइस इसके और भी ज्यादा अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। अरे यार फ्रैंकलिन मैं दोबारा से रैम करूंगा, मैं तो यहाँ पे रैम से छलांग नहीं लगा पाया, मैं तो यहाँ पे रैम से गिर गया। अरे पेनीवाइज तुम पागल हो क्या? दोस्तों यहाँ पे पेनीवाइज सिर्फ 1,000 मीटर तक ही जा पाया। पेनीवाइज 1,000 मीटर भी बहुत होते हैं। अरे फ्रैंकलिन अभी मैं और मोटू जाएंगे और 10,000 करोड़ रुपए जीत के आएंगे, क्यों मोटू? अरे हाँ बड़े भैया पतलू, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। अरे दोस्तों ये इनके पास में कैसी कार है जो कि गैस अपना कलर भी चेंज कर रही है? अरे यार हाँ ये हमारी स्पेशल कार है जो कि हम खास इस वाले रैंप के लिए लाए हैं। अरे यार फिर तो मुझे भी लगता है मुझे भी अपना स्पेशल वाला स्कूटर लाना पड़ेगा। अरे क्या वैनम पुल, तुम इस वाले रैंप को भी स्कूटर से करने वाले हो? अरे यार हाँ, मैंने आज तक कोई भी रैंप बिना स्कूटर के किया है। अरे यार दोस्तों ये क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी तो यहाँ पे पलट रही है। अरे बड़े भैया पतलू, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। अरे मोटू यहाँ पे कंट्रोल हो गई। अरे वो तो अच्छा हुआ हम पेनीवाइज और डोरेमोन की तरह नीचे नहीं गिरे। अरे बड़े भैया पतलू तुमने बिल्कुल ठीक बोला, पर तुम ये उल्टा क्यों लेके जा रहे हो गाड़ी को? अरे यार मैं उल्टा ले जाके यहाँ से स्पीड बनाऊंगा, ये देखो मैंने यहाँ पे गाड़ी की कितनी ज्यादा स्पीड बना दी, अभी हम लोग जंप करेंगे। अरे बड़े भैया पतलू वाह, तुमने क्या जंप लगाई है? अरे दोस्तों सच में मोटू और पतलू ने तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी जंप लगाई है, लगता है गाइस ये काफी ज्यादा दूर जाने वाले हैं, देखते हैं गाइस ये कहाँ तक जाएंगे। अरे यार हम लोग यहाँ तक आ गए, पता नहीं हम लोग कितना मीटर आ गया है। अरे बड़े भैया पतलू हम लोग यहाँ पर 13,670 मीटर आ गया है। अरे यार इंग्लिश में बताओ। अरे बड़े भैया 16,670 मीटर। अरे यार हाँ दोस्तों, और अभी तक मोटू और पतलू ही सबसे ज्यादा आगे हैं। अरे यार अभी आगे नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे वैनम पूल और हल्क जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, वो भी अपनी मॉडिफाइड स्कूटी पे। अरे यार हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, पर ये क्या, हम तो यहाँ पे गिरने वाले हैं। अरे यार ऐसे कैसे गिर जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ गए, अभी यहाँ पे लैंड करना पड़ेगा, देखा तुमने कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे लैंड कर दिया। अरे दोस्तों वैनम पूल और उसकी स्कूटी का कोई जवाब ही नहीं है। अरे यार हाँ और कोई सवाल भी नहीं है, मैंने इसमें बूस्ट भी लगवाए हैं, ये देखो अब मेरी स्कूटी सबसे ज्यादा आगे चली जाएगी। अरे यार पर ये तो यहीं पे क्रैश हो रही है। अरे यार ऐसा मत बोलो, हमें आगे जाना है। अरे यार ये क्या, अरे यार हम लोग तो यहीं पे गिर गए। अरे यार हम तो बस 11,000 मीटर ही जा पाए हैं। अरे यार 11,500 मीटर। अरे यार जो भी हो हम लोग सबसे आगे नहीं है। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, फ्रैंकलिन कुछ करो। अरे फ्रैंकलिन इसमें क्या करे? अरे यार फ्रैंकलिन तुम कुछ मत करना, जो करेंगे मैं और चूचू करेंगे और 10,000 करोड़ रुपए लेके जाएंगे, क्यों चूचू? अरे हाँ ग्रैनी ये बात तो तेरे बिल्कुल ठीक बोली, जे तू कैसी गाड़ी लेके आई है, जे ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है, टम्पू तो ना है जे। अरे यार टम्पू किसको बोल रहे हो, यह मेरी सुपर बाइक। अरे अच्छा ग्रैनी, पर ये तो कछु कर ही ना रही। अरे यार ये देखो मेरी जाम। अरे ग्रैनी कौन सी जाम? अरे यार ये जाम, यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा आगे चली जाऊंगी। अरे दोस्तों जिस रफ्तार से ग्रैनी आगे बढ़ रही है, लगता है गाइस ऑगी जैक से भी ज्यादा आगे चली जाएगी। ओ यार हमसे आगे नहीं जा पा रही है। अरे ले हम चले गए,
अरे और हम चले तो गए, पर चूचू तुम मेरी सुपर बैग को कहाँ पे लेके जा रहे हो? अरे मैं कहूँ ना लेके जा रहा हूँ, जय मुझे लेके जा रही है। अरे यार चूचू चुप करो। तो फ्रैंकलिन अभी तक हम लोग सबसे ज्यादा आगे। अरे यार हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रैनी लगभग 7,500 मीटर आगे चली गई है। ओ यार फ्रैंकलिन अभी मैं और मुन्ने जाने वाले हैं। अरे जैक और ऑगी तुम लोग अभी तक गए नहीं क्या? हे नहीं हम लोग तो गए ही नहीं। अरे दोस्तों पर मुझे तो लगा ये लोग चले गए, पता नहीं गैस मुझे ऐसा क्यों लगा। ओ यार तू पागल है ना इसीलिए तुझे ऐसा लगा। अरे पागल किसको बोला? ओ यार फ्रैंकलिन तुझे बोला और किसे बोलूंगा मैं पागल, यहाँ पे एक पागल तू ही तो है। अरे जैक के बच्चे तुमने मुझे पागल बोला। ओ यार हाँ बोला तो क्या हो गया, अभी तो ये देख मेरी जंप। ए भैया ये तो हमने बहुत लंबी जंप लगा दी। ओ यार मुन्ना हम लोग सबसे ज्यादा आगे जाएंगे, तू बस देखता जा। वैसे दोस्तों सच में ओगी और जैक ने यहाँ पे काफी ज्यादा ऊंची जंप लगाई है, अभी गैस देखना ये है ये कितना ज्यादा आगे जाएंगे। ओ यार हम लोग पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। ओ यार हम कितना मीटर आगे गए हैं? अरे जरा एक मिनट रुको गैस, यहाँ पे मीटर में कैलकुलेट करते हैं कि ओगी और जैक कितना ज्यादा आगे गए हैं। गैस तो ये लोग गए हैं 32,659 मीटर आगे। ओ यार दोस्तों वाह मजा ही आ गया। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर कदम, अब जाएगा लिटिल सिंघम। अरे अच्छा लिटिल सिंघम, वैसे तुम्हारी ये कार कौन सी है? अरे यार ये है बैटमैन की सबसे ज्यादा खतरनाक वाली कार, इसका नाम है बैटमोबिल। अरे तुम यहाँ पे बैटमैन की कार लेके आए हो? अरे यार हाँ, और ये वाला रैम चैलेंज तो हम लोग ही जीतेंगे, ओगी और जैक से तो हम बड़ी आसानी से आगे निकल जाएंगे। ओ यार ये तो क्या बोल रहा है, ओए मुझसे आगे तो तू कभी निकल ही नहीं सकता कीको। अरे यार जैक वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा, क्यों कीको? अरे यार हाँ। अरे दोस्तों लिटिल सिंघम कीको ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंची जंप लगाई है, और गाइस पता नहीं ये कितना दूर जाएंगे, ये तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ओ यार ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो लगता है पूरा लॉस सैंटोस पार कर देंगे। आ अरे दोस्तों हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे यार अभी बंद करता हूँ। अरे यार तुम क्या बंद कर रहे हो? अरे यार तुम चुप रहो, यहाँ पे हम पूरे 98,000 मीटर गए हैं। अरे दोस्तों पता नहीं कि मैं यहाँ पे लिटिल सिंघम और कीको को कैसे हराऊंगा। गाइस मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा आगे कोई कैसे जा सकता है, पर गाइस मेरे पास में भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली गाड़ी है, ये गाड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ी है, इसकी मदद से गाइस मैं काफी ज्यादा लंबी जंप लगाऊंगा और गाइस मैं यहाँ पे लिटिल सिंघम और कीको को भी हराने की कोशिश करूंगा। आज गाइस आपका भाई फ्रैंकलिन एक इम्पॉसिबल काम करने जा रहा है, सारा सिस्टम हैंग कर देगा आपका भाई फ्रैंकलिन, आप लोग बस देखते जाइए यहाँ पे मैं कितनी ज्यादा ऊंची जंप लगाने वाला हूँ। अरे कैसे क्या, यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी जंप कर रहा हूँ। अरे गाइस यहाँ पे मैंने लैंडिंग कर ली है, पर गाइस मुझे यहाँ पे पीछे जाना होगा ताकि गाइस मैं अपनी स्पीड को गेन कर सकूं, तो गाइस मैं चला एकदम पीछे। ओ यार फ्रैंकलिन तो कितनी भी कोशिश कर ले तो लिटिल सिंघम और कीको तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये लोग इतना आगे गए कैसे। अरे वो सब हम बाद में पता करेंगे, अभी तुम लोग देखो मिनी जंप। वैसे गाइस मैं यहाँ पर ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाया, पर गाइस मुझे दूर तक जाना ही होगा क्योंकि गाइस मुझे पूरे 2,000 करोड़ रुपए जीतने हैं। ओ यार 2,000 करोड़ रुपए तो जीत ही नहीं पाएगा, लिख के ले लेते मेरे से। अरे दोस्तों लगता है जैक ठीक बोल रहा है, मैं तो यहाँ पर नीचे लैंड करने वाला हूँ। हे फ्रैंकलिन तुम तो बहुत ज्यादा पहले लैंड कर गए। अरे पर मुझे लगता है मैं अभी भी तुम सबसे आगे हूँ। गाइस यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं आया हूँ क्योंकि गाइस मैं गया हूँ पूरे 44,000 मीटर। अब गाइस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये गाड़ी ही बेकार है, ये ले। और यार वाह इतना सारा पैसा, अच्छा हुआ मैं ये एंटी ग्रेविटी कार ले आया था। अरे क्या एंटी ग्रेविटी कार, इसका मतलब कि गाइस यहाँ पे बैटमैन की कार एंटी ग्रेविटी है जिसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं पड़ता, इसी वजह से तुम लोग इतना ज्यादा आगे तक आ गए थे। अरे यार मुझे कुछ नहीं पता, ये सब जो किया है ये सब लिटिल सिंघम ने ही किया है। अरे दोस्तों मुझे पता चल गया, इन लोगों ने मुझे पागल बनाया है और अभी इन्हीं की गाड़ी से इनको मैं बताऊंगा। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। अरे यार क्या इंतकाम देखेंगे हम तुम्हारा, अरे अभी बताता हूँ तो तुम लोग तैयार हो जाओ पिटने के लिए। अरे यार तुम्हीं ने तो बोला था कोई सी भी कार लेके आ सकते हैं। अरे पर एंटी ग्रेविटी कार तुम्हें पता नहीं चलता है क्या क्या होती है, ऐसे तो तुम हर एक रैम चैलेंज जीत जाया करोगे। अरे यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, जो करना है लिटिल सिंघम के साथ में करो। अरे तुम भी तो उसी के साथ में रैम कर रहे थे, दोस्त इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। और गाइस ये 2,000 करोड़ रुपए हैं ये मेरे हो गए। ओ यार हमें भी हिस्सा चाहिए इसमें से। अरे हाँ ठीक है गाइस, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं जो कि यहाँ पे आज रैम फा रहे हैं सबके साथ में मैं पैसा बांटने वाला हूँ। और गाइस आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।